मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारमी में 15वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दो दिवसीय इस वार्षिक समारोह के पहले दिन नर्सरी से लेकर 7वीं तक के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष यूएस चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल परवेश चंदेल ने की। समारोह में विशेष रूप से स्कूल प्रबंधन निदेशक सुखदेव चंदेल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वर्ष भर के मेधावी बच्चों को उन्होंने इनाम देकर पुरस्कृत किया। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल राकेश चंदेल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर स्कूल की गतिविधियों के बारे में बताया। मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों की प्रशंसा की गई। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने में भरपूर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में बच्चा अपना भविष्य बनाना चाहता है उसे उसी क्षेत्र में जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल के स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने हर बच्चे को मंच पर पहुंचाया तथा बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने मिनर्वा संस्थान को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में आयाम स्थापित करने पर भी बधाई दी। समारोह का शुभारंभ बच्चों ने वंदे मातरम व स्वागत गीत के साथ किया। इसके उपरांत बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर तथा डांस कर सबका मन मोह लिया। हमारा कार्यक्रम नर्सरी से लेके 7 तक क्लास के बच्चों के लिए था। इस कार्यक्रम में बच्चों ने खूब मेहनत की और अपनी प्रतिभा को दिखाने की पूरी कोशिश की। हर एक्टिविटी में हमने एक मैसेज को जोड़ा था, उस मैसेज को सोसाइटी तक पहुंचाने की इन बच्चों ने कोशिश की है। ये मैसेज सोसाइटी तक जाए और उससे सोसाइटी में जो कुछ कुरीतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हमने इन एक्टिविटियों के द्वारा की है। तो वो मैसेज हमारा मकसद था इस एक्टिविटी के द्वारा कि वो मैसेज सोसाइटी तक जाए और सोसाइटी के लोगों में एक बदलाव की भावना जागृत हो। तो ये बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब ये आगे हम देखेंगे कि उस कोशिश का किस तरह से परिणाम सोसाइटी के अंदर आता है। तो आज का ये कार्यक्रम बच्चों ने जो दिया उसमें हमने एक ये कोशिश भी की थी कि हर बच्चे को मौका दिया जाए। इस बार हमने किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ा कि जिसने एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, चाहे वो अच्छा कर रहा था चाहे उसमें कमी थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि वो आगे चल के जो एक स्टेज फियर होता है उससे दूर भाग के अपने आप को एक अच्छा स्टैंड दे सकें। तो उसका उस कोशिश को हमने किया है। तो देखते हैं आगे चल के ये क्या रूप दिखाती है। तो सभी को मैरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने खूब धमाल मचाई। छोटा निबल बड़ा टूट पैर बनो भाई पर आई है लड़ी पया।